दोस्तों आईपीएल मिनी ऑक्शन में बेन स्टोक को चेन्नई सुपर किंग ने खरीद कर अपने टीम में किया वापसी। और दोस्तों आईपीएल 2023 में अब बेन स्टोक चेन्नई सुपर किंग के तरफ से खेलेंगे। तो दोस्तों आप भी जानना चाहते हो कि आखिरकार बेन स्टोक को कितने पैसे में चेन्नई सुपर किंग ने अपने टीम में खरीदा और फिर से किया वापसी। तो दोस्तों उसके लिए हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों बेन स्टोक इंग्लैंड के एक बेहतरीन खिलाड़ी है जो कि अभी कप्तानी भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के घर में घुस के उन्हें क्लीन स्वीप करके अभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक आए हैं। लेकिन दोस्तों आईपीएल मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग ने उन्हें 17.25 करोड़ में उन्हें खरीद लिया है। और दोस्तों 17 करोड़ 25 लाख रुपया उन्हें इस आईपीएल नीलामी में बोली लगी है। लेकिन दोस्तों उन्हें बहुत सारे फ्रेंचाइजी ने उन्हें लास्ट तक अपना दावा ठोका था, लेकिन दोस्तों सही फ्रेंचाइजी वहां पे नाकाम रहे और जबकि यहां पे चेन्नई सुपर किंग इन्हें खरीद लिया है। लेकिन दोस्तों सैम करन को चेन्नई सुपर किंग तो नहीं खरीद पाए लेकिन बेन स्टोक को खरीद लिए। और दोस्तों बेन स्टोक एक बेहतरीन खिलाड़ी है और दोस्तों जैसे कि आईपीएल 2023 में अब धोनी के कप्तानी के तौर पे अब बेन स्टोक खेलेंगे। और दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग का अब अगला कप्तान बेन स्टोक को बनाया जाएगा जो कि इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ कप्तान में से एक साबित हो रहे हैं। और दोस्तों ऐसे में चेन्नई सुपर किंग बेन स्टोक का कप्तान भी बना सकते हैं अगले आईपीएल में। लेकिन दोस्तों ऐसे आप लोगों की क्या राय है कि बेन स्टोक को चेन्नई सुपर किंग कप्तान बननी चाहिए या नहीं, तो फिर कमेंट में जरूर दें। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।